हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फिफ्थ। सेम है एग्जाम्पल फोर की तरह, वहां पर टू मल्टीप्लाई थ्री का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाया था, यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई थ्री के लिए ऑर्डर बनाना है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। सेम कंसेप्ट है, आ जाओ। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, थ्री मल्टीप्लाई थ्री का तो मैं लिख देता हूँ। लाइक पहले ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ओके, वन वन, वन टू, वन थ्री, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, फिर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ऐसे होगा ना, लाइक दैट। अब आ जाओ इधर, ए वन वन करना है तो यहाँ देखो वन प्लस टू मल्टीप्लाई जे की जगह क्या हो गया, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। वन प्लस टू वन सा टू कितना हो गया, थ्री बाय फाइव हो गया, ये क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो ए वन टू, वन प्लस टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर, वन फाइव बाय फाइव कैंसिल आउट होके वन बच गया। ए वन थ्री, वन प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री टू जा सिक्स और सेवन बाय फाइव। नेक्स्ट देखो ए टू वन, टू प्लस टू मल्टीप्लाई वन, टू वन जा टू और ये फोर बाय फाइव। ए टू टू का मतलब है टू प्लस टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर, फाइव सिक्स बाय फाइव। ए टू थ्री, टू प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सेवन एट बाय फाइव। नेक्स्ट ए थ्री वन देखो, थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई वन बाय फाइव, फाइव बाय फाइव यानी वन। ए थ्री टू, थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर, थ्री सेवन बाय फाइव। ए थ्री थ्री, थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री टू जा सिक्स और ये नाइन बाय फाइव। अब आप इसका मैट्रिक्स लिख दो, ए इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ए वन वन में हो जाएगा थ्री बाय फाइव, वन एंड सेवन बाय फाइव। नेक्स्ट वाली लाइन में हो जाएगा फोर बाय फाइव, सिक्स बाय फाइव एंड एट बाय फाइव। उसके नेक्स्ट में हो जाएगा आपके पास वन, सेवन बाय फाइव और ये नाइन बाय फाइव, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया मैं थ्री मल्टीप्लाई थ्री, मतलब ये आपके पास थ्री इंटू थ्री की जो है मैट्रिक्स है ऑर्डर, क्लियर है यहाँ पे। तो दिस इज कंप्लीट आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ।